हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई जस्ट होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करूंगी वजाइनल स्टीमिंग यानी योनी धूपन के बारे में। आज की वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो भी वजाइनल स्टीमिंग के बारे में सवाल होंगे वो सब दूर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है योनी धूपन। हमारे यहाँ धूनी को कौन नहीं जानता। जलते हुए कोयलों के ऊपर लोबान की धूनी के जरिए हवा को शुद्ध करना हमारी रस्म और रिवाज का हिस्सा रहा है। क्या एक रात में एक बार ही संभोग कर पाते हो? क्या हानिकारक अंग्रेजी दवाएं खाकर ही लिंग में कड़ापन आ पाता है? स्वीडन और पोलैंड के वैज्ञानिकों की जबरदस्त खोज। पूरी तरह जड़ी बूटियों से तैयार साइड इफेक्ट फ्री कैपिटल पी कैप्सूल। मात्र 60 दिन का कोर्स। एक रात में 5 बार भी वीर्य निकाल पाओगे। अधिक जानकारी के लिए वीडियो के कोने में दिए गए नंबर पर कॉल करें। इसी तरह हॉट स्प्रिंग स्टीमिंग से भी इंसान बहुत पहले से परिचित है और स्पा के फायदों के बारे में प्राकृतिक चिकित्सक बहुत पहले से ही बताते आ रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में स्टीमिंग एक थेरेपी के तौर पर विकसित होती जा रही है। स्वेटिंग यानी पसीने के जरिए शरीर के अंदर छुपी बीमारियों को दूर करना आयुर्वेद के पंचकर्म का एक महत्वपूर्ण भाग रहा है। योनि धूपन या वजाइनल स्टीमिंग साधारण शब्दों में कहा जाए तो वजाइना यानी योनि को जड़ी बूटियों की भाप में नहलाना है। जड़ी बूटियों के पाउडर से भाप पैदा की जाती है और उस भाप को वजाइना के अंदर प्रवाहित किया जाता है। इसको ही गाइज योनि धूपन कहते हैं। वजाइनल स्टीमिंग के जरिए ऐसा माना जाता है कि योनि डिटॉक्स हो जाती है। एक तरफ जहां इसके बहुत सारे बेनिफिट्स बताए जाते हैं, वहीं इसमें कुछ सावधानियों की भी जरूरत होती है। तो चलिए अब देखते हैं योनि धूपन का तरीका। गाइस, भाप पैदा करने के दो तरीके प्रचलित हैं। एक तरीके में भाप सीधे जलते कोयले के ऊपर जड़ी बूटियों का पाउडर छिड़क कर पैदा की जाती है। ये भाप पैदा करने का एक आयुर्वेदिक मेथड है। और मॉडर्न स्पा हाउसेज में गर्म पानी के बर्तन में जड़ी बूटियों को भिगोकर भाप तैयार की जाती है। भाप किसी भी तरह से उत्पन्न हुई हो, बाकी विधि समान होती है। कैपिटल पी कैप्सूल। वैज्ञानिकों ने खोज निकाला लिंग को लंबा करने का प्राकृतिक तरीका। स्वीडन और पोलैंड की संयुक्त रिसर्च टीम और भारतीय आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की वर्षों की कड़ी मेहनत का फल। पूरी तरह से हर्बल कैप्सूल जिसका 60 दिन तक सेवन करने से हजारों पुरुष लिंग में तनाव की कमी से पूरी तरह मुक्ति पा चुके हैं और संभोग के समय उनका लिंग 2 इंच तक अधिक लंबा हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए वीडियो के कोने में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और फिर एक स्पेशल टाइप की कुर्सी जिसके बीच में छेद होता है, उसके नीचे वो बर्तन रखा जाता है जिसमें से जड़ी बूटियों का धुआं निकल रहा होता है। महिला पहले अपनी वजाइना को अच्छे से वॉश कर ले और फिर अपने नीचे के कपड़े यानी अंडरगार्मेंट्स हटाकर नाभि से लेकर घुटनों तक तौलिया लपेट ले और उस कुर्सी पर इस तरह से बैठ जाए कि धुआं वजाइना के अंदर जाने लगे। लेकिन ध्यान रहे भाप ज़्यादा गर्म ना हो और सीधे वजाइना पर ना पड़े। इस तरह से लगभग 20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक बैठा जा सकता है। ये टाइम भाप के तापमान और तीव्रता पर डिपेंड करता है। चलिए अब देख लेते हैं योनि धूपन के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटियाँ। तो गाइज, आयुर्वेद के अनुसार नीम, जटामानसी, हल्दी, गुगुल, वचा, तुलसी, इन सभी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है वजाइनल स्टीमिंग के लिए। और मॉडर्न स्पा हाउसेज में इस्तेमाल की जाने वाली जड़ी बूटियों की मैं बात करूँ तो तुलसी, कैलेंडुला, मगवर्ट, वर्मवुड, ऑरिगैनो, इन सभी हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता है। गाइज, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ योनि धूपन के कुछ फायदों के बारे में। इसमें कोई शक नहीं है कि योनि धूपन मानसिक और शारीरिक रूप से रिलैक्सिंग और सूदिंग होता है। लेकिन क्या इसके वाकई डेफिनेटिव हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं या नहीं? तो गाइज, सच ये है कि योनि धूपन के सेहत संबंधी फायदों के बारे में यूँ तो कोई ठोस निर्णयकारी प्रमाण नहीं है, फिर भी वजाइनल स्टीमिंग इन रोगों में फायदेमंद माना जा सकता है। जैसे तनाव और डिप्रेशन में, बवासीर, शरीर के निचले हिस्से का दर्द, संतानहीनता, थकान और वजाइनल कैंडिडियासिस। चलिए अब फायदे हम देख चुके हैं, एक बार नुकसान की तरफ भी नज़र डाल लेते हैं। जहां एक तरफ योनि धूपन के फायदे बताए जाते हैं, वहीं कुछ डॉक्टर्स इसका विरोध भी करते हैं। योनि धूपन को सही ना मानने वाले लोगों का मत है कि योनि धूपन से वजाइना में नमी बन जाती है जिससे वहाँ पर यीस्ट और दूसरे कई प्रकार के इन्फेक्शंस पैदा हो सकते हैं। साथ ही अगर पर्याप्त सावधानियां ना बरती जाएं तो योनि भाप से जल सकती है। कुछ डॉक्टर्स योनि धूपन की तुलना में सिट्स बाथ या वार्म वाटर सोकिंग को ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो गाइज, ये सब जानने के बाद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि योनि धूपन करें या ना करें। ऐसे में एक्सपर्ट का कहना है कि वजाइनल स्टीमिंग को कभी भी खुद ना करें और किसी प्रोफेशनल की देखरेख में ही करें।
यौनी धूपन को बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ना करें, इसको आदत ना बनाएं, और ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखें कि चूंकि यौनी की त्वचा बहुत नाजुक होती है, इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा गर्म भाप यौनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ध्यान रहे कि वजाइना में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल होता है, कहीं ऐसा ना हो कि यौनी को डिटॉक्स करने के चक्कर में आपका ये प्राकृतिक एंटीबायोटिक ही सूख जाए। और लास्ट में टेक होम मैसेज ये है कि यौनी धूपन अच्छा है अगर समुचित सावधानियों के साथ और एक्सपर्ट की देखरेख में किया जाए। सो माय डियर व्यूअर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा आपको आज की मेहनत मेरी पसंद आई कि नहीं, और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आगे की नोटिफिकेशंस पाने के लिए हमारा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं चलती हूँ, फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।